दोस्तों 3 BHK फ्लैट 125 गज में, 2 साइड ओपन बिल्डिंग, एक फ्लैट फ्रंट पे और दूसरा फ्लैट बैक पे, नहीं दोस्तों दूसरा फ्लैट भी फ्रंट पे। आज सस्ता घर आपके लिए 3 BHK फ्लैट लेके आ गया, वो भी छतरपुर इनक्लेव फेज 2 में। दोस्तों बिल्डिंग इतनी अच्छी है, 250 गज की बिल्डिंग है, 2 साइड ओपन है और फुल्ली वेंटिलेटेड है, और दोनों फ्लैट इसके फ्रंट पे कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे दोस्तों? दोनों तरफ आपको 25 फुट की रोड मिल जाती है दोस्तों। जी हाँ, दोनों तरफ दोस्तों। अब हम खड़े इसके ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। छतरपुर इनक्लेव फेज 2 के बारे में बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, क्योंकि आप छतरपुर इनक्लेव फेज 2 के बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट जानते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, काफी ग्रीन एरिया है दोस्तों, सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, मार्केट वॉक इन डिस्टेंस में सारी चीजें आपको इजीली मिल जाती है। अब हम खड़े इसके ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। ड्राइंग डाइनिंग एरिया का अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो अप्रोक्स 11 फुट बाय 20 फुट का आपको पूरा ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है दोस्तों। इस वॉल पे, मेरे राइट साइड वाली वॉल पे पूरा टीवी पैनल आप अपना सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक विंडो मिल जाती है जो कि सीधा शाफ्ट में ओपन होती है, आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया काफ़ी वेंटिलेटेड हो जाता है। ऊपर आप चाहो तो यहाँ पे विंडो एसी भी लगा सकते हो, आपकी शाफ्ट काफ़ी बड़ी है दोस्तों, आप इजीली यहाँ पे विंडो एसी लगा सकते हो। इसके साथ ही आप यहाँ पे अपना डाइनिंग सेटअप भी कर सकते हो, जो कि किचन के साथ बिल्कुल आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है दोस्तों। इसी के साथ आपको किचन मिल जाता है, और किचन भी फ्लैट की यूएसपी है दोस्तों। अगर किचन के डायमेंशन की बात करूँ तो 12 फुट बाय 10 फुट का 125 गज के फ्लैट के साथ आपको किचन मिलता है, काफ़ी स्पेशियस किचन है दोस्तों। और बात करो इसके लेमिनेट कॉम्बिनेशन की, तो ऊपर व्हाइट कलर की लेमिनेट दे रखी है और नीचे ग्रे कलर की, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। काउंटर टॉप आपको पूरा मिल जाता है इसके ब्लैक कलर के ग्रेनाइट का दोस्तों। बेसिन आपको हैंडमेड मिलता है जो कि साउंड प्रूफ होता है दोस्तों। सारी फिटिंग्स आपको वारमोरा की मिल जाती है। बात करें इसके ओवरहेड स्टोरेज की, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको ओवरहेड स्टोरेज भी मिल जाता है। सेमी मॉड्यूलर आपको ये किचन मिलती है, सारी आपकी एसएस बास्केट के साथ आपको ये किचन मिल जाती है दोस्तों। लेकिन किचन का साइज़ बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत अच्छा स्पेशियस साइज़ है। इसी के साथ आपको एक ओपनेबल विंडो मिलती है जो कि शाफ्ट में ओपन होती है। किचन में आपको सफोकेशन हो ही नहीं सकती दोस्तों, इतना स्पेशियस किचन है। इसी के साथ आपको फ्रिज का स्पेस भी पूरा मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आप अपना फ्रिज लगा सकते हो, और यहाँ पे आपका दोस्तों डबल डोर भी फ्रिज आ सकता है, इतना स्पेशियस आपको ये साइज़ मिल जाता है। इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट बेडरूम में, जो कि सीधा आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ मिलता है दोस्तों। इसके तीनों बेडरूम के साइज़ भी बहुत अच्छे हैं, ये मास्टर बेडरूम है इसका। और इस फ्लैट की खास बात है, इसके तीनों बेडरूम मास्टर बेडरूम है दोस्तों। और अगर इसके साइज़ की बात करूँ तो ये भी आपको 10 फुट बाय अप्रोक्स 12 फुट का मिल जाता है। इसके साथ आपको 5 फुट बाय 7 फुट की एक अलमीरा मिलती है। अलमीरा में नीचे आपको ड्रॉर दे रहे हैं, 2 आपको ड्रॉर मिल जाते हैं, हैंगिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, नीचे पाइलिंग के लिए भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है दोस्तों। इसी के साथ आपको वॉशरूम मिलता है, वॉशरूम का साइज़ दोस्तों 5 फुट बाय 8 फुट का, मास्टर बेडरूम के साथ बहुत खूबसूरत साइज़ है। जितने भी फिटिंग फिक्सर्स मिलती हैं आपको सारी वारमूरा की मिलती है। और टाइल्स दोस्तों 2x4 की इन्होंने टाइल लगा रखी है वॉल्स पे, जिसमें बीच में इन्होंने पेंसिल टाइल लगा रखी है गोल्डन कलर की, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है टाइल का दोस्तों, बहुत खूबसूरत लग रहा है वॉशरूम। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने वर्टिकल कोक के साथ पैनल लाइट लगा रखी है फॉल सीलिंग में। जितनी भी फिटिंग फिक्सर मिलती है सब आपको ब्रांडेड मिल जाती है दोस्तों। इसी के साथ आपको एक स्पेस भी दे रखा है, यहाँ पे आप अपना स्प्लिट एसी भी लगा सकते हो, कॉन्ड्यूट ऑलरेडी करके दे रखा है। अब आइए एसी लगाइए और एसी का मजा लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम में, वो भी मास्टर बेडरूम है। कैसे है दोस्तों? ये है इसका कॉमन वॉशरूम, इसी के साथ दूसरा रास्ता जाता है सीधा आपका इसके बेडरूम में। ये वॉशरूम आपका बेडरूम से भी कनेक्ट है और ये कॉमन भी है आपका दोस्तों। ये वॉशरूम का अगर मैं साइज बताऊँ आपको तो अप्रोक्स 6 फुट बाय 7 फुट का आपको ये भी साइज मिल जाता है। आपको जो सीट मिल रही है इसमें वो मिल रही है आपको फ्लोर माउंटेड, और जितनी भी फिटिंग्स मिलती है आपको सारी आपको ब्रांडेड मिल जाती है वारमोरा की। टाइल्स तीनों वॉशरूम्स में सेम टाइल्स लगा रखी है इन्होंने दोस्तों, 2x4 की टाइल लगा रखी है वॉल पे, विट्रीफाइड ग्लॉसी सरमेक इन्होंने टाइल लगा रखी है दोस्तों, बहुत खूबसूरत टाइल्स है। और फ्लोरिंग पे जितनी भी टाइल लगा रखी है इन्होंने लाइट कलर की टाइल लगा रखी है दोस्तों, ग्लॉसी विट्रीफाइड टाइल्स है फ्लोरिंग पे जो लगा रखी है, 2x4 की टाइल है, जिससे ये सारे ड्राइंग डाइनिंग एरिया बेडरूम्स काफ़ी बड़े बड़े लगते हैं। लेकिन सर इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। अगर इसका भी मैं साइज़ बताऊँ आपको बेडरूम का, तो ये भी अप्रॉक्स 13 फुट बाय 12 फुट का साइज़ है। इसके साथ भी आपको सेम 5 फुट बाय 7 फुट की अलमीरा मिल जाती है दोस्तों। एक इसी के साथ आपको विंडो मिलती है जो कि सीधा फ्रंट पे ओपन होती है, बालकनी में नहीं दोस्तों, सीधा फ्रंट पे ओपनेबल विंडो है। ऊपर आप अपना चाहो तो विंडो इसी लगा सकते हो, एक आपको फिक्स विंडो भी मिल जाती है ग्लास के साथ। यहाँ पे अपना कर्टन रोड लगाइए, जैसे मर्जी चाहो इन्हांस कीजिए, बहुत खूबसूरत। ये भी आपका बेडरूम है, काफ़ी बड़ा है, पूरा प्रॉपर डाउन सीलिंग मिलती है आपको इसमें, और पैनल लाइट इन्होंने लगा रखी है, फैन फिटिंग फिक्स्चर सब आपको ब्रांडेड मिल जाते हैं दोस्तों। अगर इस घर को सजाया जाए ना तो बहुत खूबसूरत तरीके से आप सजा सकते हो।
एक इसकी यूएसपी इसकी बैल्कनी है, 6 फुट बाय 10 फुट की बैल्कनी। दोस्तों लोग सोचते हैं हमारी बैल्कनी इतनी बड़ी हो, इधर आप चाहो तो अपना झूला रख सकते हो, ग्रीन ग्रास लगा सकते हो, जो ग्रीन कारपेट आता है, आर्टिफिशियल प्लांट्स लग सकते हो, इतनी बड़ी बैल्कनी है, हैंगिंग प्लांट लगा सकते हो, ऊपर प्लांट टांग सकते हो, बहुत खूबसूरत बना सकते हो आप अपनी बैल्कनी को। इसी के साथ एक और कनेक्टिंग डोर मिलता है दोस्तों आपको, जो कि सीधा आपको आपके थर्ड बेडरूम में कनेक्ट कर देता है। ये भी आपको 13 फुट बाय 11 फुट का मिल जाता है दोस्तों, ये भी इतना स्पेशियस है। और इसके साथ फॉल सीलिंग, वर्टिकल कोक के साथ पैनल लाइट तो लगाई रखी है, साइड में भी आपको कोक मिल जाता है फॉल सीलिंग का दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से फॉल सीलिंग की। और ये भी आपका मास्टर बेडरूम है, इसके साथ भी आपको एक वॉशरूम मिल जाता है। अगर मैं वॉशरूम पे इसकी भी डायमेंशन की बात करूँ तो ये भी अप्रॉक्स आपको 5 फुट बाय 8 फुट का मिल जाता है। इसके तीनों वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस हैं। साइज 125 गज है, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा 135 से 40 गज के फ्लैट में आप आ गए हैं। इतना खूबसूरत बना हुआ, क्योंकि फ्रंट बहुत अच्छा है फ्लैट का दोस्तों। और जितनी भी फिटिंग्स आपको मिलती है सारी वारामूरा की ब्रांडेड मिल जाती है। टाइलें सेम इन्होंने विट्रीफाइड ग्लॉसी टाइल लगा रखी है, बीच में पेंसिल टाइल ले रखी है गोल्डन कलर की। इसके वॉशरूम हो गए, बेडरूम्स हो गए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा है टाइल्स का, जिससे काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो रहा है ये फ्लैट दोस्तों। कैसा लगा आपको ये 3 BHK फ्लैट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जो भी फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको। हम हर वक्त ये सोचते हैं कि आपको कैसे अच्छे से अच्छे यूनिट लेके आएँ, अच्छे अच्छे से प्राइस सेगमेंट में आपको यूनिट दिखाने की कोशिश करें। तो आज सस्ता का आपको ये फ्लैट लेके आ गया। मैं आपको इसका अगर प्राइस बताऊँ, 125 गज का फ्लैट है मात्र 60 लाख रुपये में। और अब बात करूँ इसके लैंड टाइटल की, फिलहाल इसका लैंड टाइटल GPA जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, लेकिन छतरपुर की जैसी रजिस्ट्री ओपन होती है आप दोस्तों इजीली इस पर रजिस्ट्री भी करवा सकते हो। और अगर बात करूं गवर्नमेंट से मिलने वाली सुख सुविधाओं के बारे में, तो IGL का गैस पाइपलाइन, BSES के मीटर और दिल्ली जल बोर्ड का वाटर आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों जो भी अपना घर छोड़ के छतरपुर में शिफ्ट होता है, अपनी पुरानी जगहों से नई जगहों पे आता है, उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय ये रहता है कि मेरे बच्चों की स्कूलिंग कैसे होगी, मेरे बच्चों को मेरे घर से स्कूल्स पास मिलेंगे नहीं मिलेंगे, काफ़ी दूर तो नहीं होंगे। एजुकेशन सेक्टर को लेकर दोस्तों अगर बात करूँ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की, तो वो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक्टिव हो चुकी है, आप वहाँ पे जाके अपने कोर्सेज पूछ सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं दोस्तों। और अगर बात करूँ स्कूलिंग की, तो 3 किलोमीटर पे आप वसंत कुंज के सारे स्कूल्स कवर कर जाते हैं, और साकेत के जितने भी स्कूल्स आपको मिलते हैं मिल जाते हैं 5 किलोमीटर के एरिए में। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी आपको पिकअप पॉइंट मिल जाता है, अपने बच्चों को छोड़ने जा सकते हैं वहाँ पे इजीली। आपको बसेस भी अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि स्कूल की बसेस आपको बच्चों को पिक करने आती हैं दोस्तों। बात करूँ अगर कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी आपको ई रिक्शा शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं, जो कि सीधा आपको येलो लाइन मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट कर देते हैं। छतरपुर का मेट्रो स्टेशन यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस एक सिल्वर लाइन मेट्रो स्टेशन भी आ रहा है, जो कि 2024 एंड में या 25 में स्टार्टिंग में रेडी हो जाएगा दोस्तों, जो कि एरो से तुगलकाबाद से होते हुए सीधा एरो सिटी जा रहा है दोस्तों, जिससे आपके फ्लैट की अप्रिसिएशन वैल्यू बहुत अच्छी हो सकती है, रेंटिंग वैल्यू बहुत अच्छी हो सकती है बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी दोस्तों। मैं राजीव वर्मा फिर मिलूंगा एक नए सफर पे एक नए फ्लैट के साथ। धन्यवाद।